आई वॉन्ट टू से वन मोर थिंग, आई वॉन्ट टू से वन मोर थिंग, द इलस्ट्रेशन विच वी आर सॉल्विंग राइट नाउ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इलस्ट्रेशन एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दिस टू बी आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जाम. Those who joined late, I am just reading the sum fatafat. Punjab Limited issued 25,000 11% debentures of 100 each. The money were called as under 30 on application, 35 on allotment, 35 on first and final call. All the debentures applied. Joginder, holding 800 shares, paid the entire amount on allotment. Matlab Joginder, जिसके पास 800 डिबेंचर्स है उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा साथ में दे दिया. हरजीत, द होल्डर ऑफ 200 डिबेंचर्स फेल्ड टू मेक द पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी. बाकी सब डिबेंचर्स पर टाइम टू टाइम पैसा हमें मिल गया है. कम ऑन बेटा, मेक द फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्रीज एंड वी स्टार्ट राइटिंग द एंट्रीज. कम ऑन, गिव द हेडिंग जर्नल एंट्रीज in the books of journal entries in the books of Punjab Limited. Journal entries in the books of Punjab Limited. Serial number. Particulars. LF debit and credit. Any doubt? But again, I repeat, have you understood the question? Have you made the format? If you're all ready with that, then let's start the entry. Come on. If you're all ready with that, give me a thumbs up. If you're all ready with that, we'll start posting the things. Come on. Entries hum likhna shuru kar de rahe hain. Agar aap log ye format ke saath tayyar ho gaye hain, sum bhi samajh mein aa raha hai ki kisne advance mein paisa diya aur kis bande ne paise nahi diye. दोनों चीजें हो रही हैं यहां पर. एक है जो हमारा डिबेंचर होल्डर जिसके पास बहुत पैसा है उसने एडवांस में पैसा दे दिया, और एक जो डिबेंचर होल्डर है उसने डिफॉल्ट किया. सो दोनों चीजें देखने को मिल रही हैं हमको यहां पर, दोनों चीजें देखने को मिल रही हैं. श्योर. अब हमने डिबेंचर जरा देखो इश्यू कितने करे हैं. हमने डिबेंचर इश्यू करे 25,000 और उतने ही एप्लीकेशन आ रहे हैं, तो ये अपनी वर्किंग के नीचे वो भी लिख लेंगे. कम ऑन, कि डिबेंचर हमने इश्यू किए 25,000 और डिबेंचर के एप्लीकेशंस भी उतने ही आ रहे हैं. मतलब हमें किसी को भी रिजेक्ट नहीं करना है, किसी का भी पैसा हमें रिफंड नहीं करना है. हमने मार्केट में जितने भी डिबेंचर इश्यू किए सारे के सारे डिबेंचर्स मार्केट में फ्लोट हुए, सब लोगों ने प्यार पूर्वक वो डिबेंचर हमारे खरीद लिए हैं, प्यार पूर्वक वो डिबेंचर हमारे बिक गए हैं. ठीक है, फर्स्ट एंट्री थम्स अप, वेरी इजी. कम ऑन, फर्स्ट एंट्री थम्स अप. महिमा, फर्स्ट एंट्री. महिमा सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर एप्लीकेशन. बहुत बढ़िया, लिख लेंगे सारे. अमाउंट बताओ महिमा, व्हाट विल बी द अमाउंट? 7,50,000. कैसे आया बेटा 7,50,000? सर 25,000 × 30. बहुत बढ़िया, सही है, लिख लेंगे, लिख लेंगे. द फर्स्ट एंट्री, द फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 25,000 × 30, सो दैट कम्स टू 7,50,000.
बैंक अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर एप्लीकेशन 7,50,000। बेटा सेकेंड वाला बताओ, कम ऑन, सेकेंड एंट्री कौन बताएगा? सेकेंड मुक्ति, मुक्ति, यस सर, हाँ मुक्ति, 11% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर अकाउंट, यस 11% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, 11% डिबेंचर अकाउंट के जो एप्लीकेशन का पैसा है वो हमने डिबेंचर में ट्रांसफर कर दिया, 11% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट एंड दैट कम्स टू अगेन 7,50,000। बड़ा थर्ड एंट्री भी इजी है, फोर्थ एंट्री से कारनामे शुरू होने वाले हैं बेटा, फोर्थ एंट्री से कारनामे शुरू होने वाले हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाले हैं। शाबाश बेटा, कम ऑन, हु विल गिव मी द थर्ड एंट्री? बेटा इट्स वेरी इजी, थर्ड एंट्री बेटा मामुड़िया जेवी छे, वारसिया मानाओ, मानाओ। हाँ सर, हाँ सर, 11% डिबेंचर अलॉटमेंट टू 11% डिबेंचर अकाउंट, यस 11% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर, लिख लेंगे 11% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर्स। मानव अमाउंट कितनी आएगी? मानव मानव अनम्यूट हो गए हैं, वाणी 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 अमाउंट कितनी आओ से वाणी? यस सर, अमाउंट विल बी 8,75,000। केवर दे आयु 8,75,000 सर, 35 मल्टीप्लाई बाय 25,000, 25,000 डिबेंचर्स इनटू 35, बहुत बढ़िया, तो कितना आ रहा है? 8,75,000, बहुत बढ़िया बड़ा। फोर्थ एंट्री को स्टार परिवार में डाल दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, द फोर्थ एंट्री इज स्टार परिवार, द फोर्थ एंट्री इज स्टार परिवार। बेटा मैं पहले फोर्थ एंट्री लिख दे रहा हूं, उसकी अमाउंट कैसे आ रही है वो भी मैं डिराइव कर दे रहा हूं, उसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आया तो मेरे को डाउट पूछो। बेटा पेन वेन छोड़ के सब मेरी स्क्रीन पे ध्यान, पेन सब छोड़ दो, सब एकदम स्क्रीन पर ध्यान। बेटा यहां पर अगर कुछ ये सिचुएशन ये एडवांस वाली नहीं होती या हरजीत सिंह वाली नहीं होती तो हम इसकी नॉर्मल एंट्री क्या लिखते, 11% डिबेंचर अलॉटमेंट टू 11% डिबेंचर के बाद वाली हम एंट्री क्या लिखते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर अलॉटमेंट, हम ऐसी बेसिक एंट्री लिख डालते थे, यस और नो? बेटा यस और नो, हम सीधा इतना बेसिक लिख देते थे अगर ये जोगिंदर का एडवांस वाला सीन नहीं होता, हरजीत सिंह का नॉन पेमेंट वाला सीन नहीं होता तो हम ऐसा सीधा एंट्री लिख देते थे। इसमें किसी को कोई डाउट है? इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं। फिर जरा एक नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, ये तुमको आता है, अगर हरजीत सिंह ने मेरे को पैसा नहीं दिया तो बेटा मेरे को मैसेज करो वो कौन से अकाउंट में डालने का। अगर हरजीत सिंह ने मेरे को उसके अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो वेयर इन विच अकाउंट विल आई ट्रांसफर इट? शाबाश बेटा, मेरे को मैसेज आना शुरू हो रहे हैं, मैसेज आना शुरू हो रहे हैं, शाबाश। कोई सिर्फ ऐसा ही मैसेज कर रहा है, कॉल्स, मैं चंबुड़ा तारे की मैंने कॉल करवानो छे, एवं पूछू छू कया खाता में नाखसू तो पहले मैंने मैसेज करे के सर कॉल। वेरी गुड, वेरी गुड, 180 जन से 50 जन के मैसेज आए हैं जिनको देख के मुझे खुशी हो रही है क्योंकि उतने ही जन पढ़ने वाले हैं, ना हमारा वीडियो ऑन रहता है, ना हमारी नोटबुक है हमारे सामने, ना टेक्स्ट बुक है हमारे सामने, बस जुड़ने के लिए जुड़ गए हैं सर, ताकि अपना सुपरवाइजर अटेंडेंस ले ले घर पे, मेथी ना लगे हमारी, बस उसके लिए हम जुड़े हैं। पढ़ाई तो सर होती रहती है ऑनलाइन, तो पढ़ाई तो होती रहती है सर हमसे। तो बेटा तुमने जो जवाब भेजा है वो बिल्कुल सही है, कॉल्स इन अरियर्स है। अब मुझे थम्स अप करके बताओ, कॉल्स इन अरियर्स को हम क्या करेंगे, डेबिट के क्रेडिट, थम्स अप करके बताओ, कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स। अंशु, अंशु, यस सर, कॉल्स इन अरियर्स डेबिट, बहुत बढ़िया, कॉल्स इन अरियर्स को डेबिट करेंगे।
तो ये एंट्री में देखो अभी मैंने अमाउंट कुछ नहीं लिखी है, हम अभी एंट्री ही लिख रहे हैं। तो यहाँ पर कॉल्स इन एरियर्स को मुझे डेबिट कर देना पड़ेगा, हमको कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट कर देना पड़ेगा, समझ रहे हो, समझ रहे हो। अब सम में एक और बात भी है कि भाई ये अपने जोगिंदर जी हैं, जो जोगिंदर जी हैं उसके पास बहुत पैसा है, उसके पास बहुत पैसा है। उसने जो मेरे को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब हम जो बाद में मंगाने वाले हैं पैसा, उसने मेरे को एडवांस में दे दिया। तो ही गेव मी दैट मनी इन एडवांस, जिसे हम टेक्निकल वर्ड में कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। तो जब डिबेंचर होल्डर ने डिफॉल्ट किया तो वो पैसा मैंने डाला कॉल्स इन अरियर्स में और मैंने उसको डेबिट करा। अब जरा कॉमन सेंस वाली बात करो कि ये जोगिंदर ने क्या करा है, नेक्स्ट वाले पैसे मैंने मंगवाए नहीं है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के, लेकिन उसने मेरे को एडवांस में दे दिए हैं। तो मेरी वो लायबिलिटी बनती है कि अब मेरे को जोगिंदर को डिबेंचर तो देना ही पड़ेगा। आई कैनॉट से कि तेरे को नहीं मिलेगा क्योंकि उसने सारे पैसे एडवांस में दे दिए। तो ये कंपनी की लायबिलिटी बनती है, एंड बिकॉज इट्स अ लायबिलिटी बेटा आपने कॉल्स इन एडवांस ने क्रेडिट करी देसु, कॉल्स इन एडवांस को हम क्रेडिट कर देंगे। तो बेटा एंट्री बनी कैसे पता चल रही है? फिर अमाउंट भी ऐसी ट्रिक दूंगा कि दो मिनट में तुमसे वो बन जाएंगे। अमाउंट गोतवा मा पण तमे गोथा नहीं मारो, ट्रस्ट मी। लेकिन पहले एंट्री पता चली, थम्स अप, एंट्री पता चली। मैं तुम्हें अनम्यूट होने का चांस दे रहा हूं, अनम्यूट। जिसको भी समझ में नहीं आया अनम्यूट करके पूछो डाउट। सर एक बार फिर से समझाओ ना। हाँ निधि बेटा सुन, आ खबर पड़ी मने एंट्री में तू एक है। आ कॉल्स इन एडवांस जे क्रेडिट थयुं नते, जो कॉल्स इन एडवांस में क्रेडिट केम थयुं छे कि मैं पहला जोगिंदर पाहे थी पैसा हजी पहला फाइनल कॉल ना मंगाया नथी। ओके बराबर, पण एने एडवांस लायबिलिटी क्रेडिट के रीतना मींस के तमे कीधु के लायबिलिटी क्रेडिट थाय। हवे हवे मानी ले मारी अगर बेटा निधि मोबाइल नी दुकान छे अने ते मने मोबाइल ना पैसा एडवांस में आपी दीधा કે સર આ વાળો ફોન મને બહુ જ ગમે છે, તમે આ લઈ રાખજો અને મારી માટે મૂકી જ દેજો, અને તમને પૈસા જોઈએ તો બધા પૈસા તમને એડવાન્સ આપી દઉં। તો મેં તારી પાસેથી બધા પૈસા એડવાન્સ લઈ લીધા, તો કેમ છે મારી જવાબદારી બનશે કે તને ફોન દેવાનો જ? હા, તો એવી રીતે મેં ડિબેન્ચર વાળા પાસેથી બધા જ પૈસા લઈ લીધા એડવાન્સમાં। તો કંપનીની કેમ છે રિસ્પોન્સિબિલિટી બને છે, લાયબિલિટી બને છે કે એમને તો જોગિંદરને તો ડિબેન્ચર આપવું જ પડશે, બીજા કોઈને આપું ના આપું, કેમ કે મેં એની પાસેથી બધા પૈસા લઈ લીધા છે, એટલે એ મારી લાયબિલિટી છે અને આપણે લાયબિલિટીને ક્રેડિટ કરીએ। ઓકે બેટા, ઓર કોઈ હે? બેટા ઓર કોઈ હે? क्या बात कर रहे हो यार, कॉलर ऊंचा करने पड़ेगा मेरे को, क्या पढ़ाने लगा हूं यार आजकल मैं, कॉलर ऊंचा कर दूं? जाओ सर। अच्छा अब अमाउंट के बारे में सर आप बहुत होशियारी मार रहे थे कि अमाउंट भी बताऊंगा एकदम इजीली इजीली आएगा, आएगा ट्रस्ट मी आएगा। यहां जरा ध्यान, यहां जरा ध्यान, हमने यहां पर अलॉटमेंट को डेबिट किया 8,75,000 से, यस और नो? तो हम यहां पर अलॉटमेंट को क्रेडिट भी कर देंगे हम 8,75,000 से, એટલે એક अमाउंट આપણે ભરી કાઢી, બરાબર। હવે પેલો કોલ્સ ઇન અરિયર્સ, પેલા પૈસા આપ્યા કેટલા નહીં? હરજીત સિંહ ને 200 શેર પર 35 રૂપિયા નહીં ભરે હે જો હમે કોલ્સ ઇન અરિયર્સ મે દેને કે, તો 200 શેર્સ પર 35 રૂપિયા, मतलब 7,000 रुपीज जाएगा कॉल्स इन अरियर्स में। कॉल्स इन एडवांस में कितना जाएगा? जोगिंदर काका है नीचे ना 35 रुपया एडवांस में आपी दीदा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ना, जोगिंदर ने 300 के 35 रुपीज एडवांस में दे दिए। और 300 कहाँ है, एक थप्पड़ पड़ जाएगा, 800 है। So 800 into 35 करो बेटा, और जरा मेरे को चैट भेजो 800 into 35 ताकि मुझे भी लगे तुम हो साथ साथ।
बराबर है बराबर है। हाँ साथ साथ में कितने आ रहे हैं, साथ साथ में कितने आ रहे हैं, 28 28 28, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 28,000 है। यस, कॉल्स इन अरियर्स में 28,006। अब ये क्रेडिट वाली अमाउंट है, ये डेबिट वाली अमाउंट है, इन दोनों को प्लस करो, 7,000 माइनस कर दो। बेटा डैडी ने ट्रिक पता चली कैसे निकाली, डैडी ने ट्रिक पता चली कैसे निकाली, अमाउंट कैसे ढूंढा, क्रेडिट वाला दोनों प्लस कर दिए, माइनस 7,000 जो डेबिट में है, मतलब बैंक में आ जाएगा 8,96,000, बैंक में आ जाएगा 8,96,000। बेटा अनम्यूट होने का पूरा मौका दिया जा रहा है, डाउट है तो कोई पूछो, अमाउंट कैसे आई, डाउट है तो पूछो। सर हाँ ध्वज, सर ये 35 रुपीज है ना, वो एडवांस और क्या भूल गया है, वो फाइनल कॉल के क्या अलॉटमेंट के? बेटा वो अलॉटमेंट के वक्त जोगिंदर फाइनल कॉल का पैसा दे रहा है। हाँ तो फाइनल कॉल के 35 लेने के ना बेटा एडवांस में, और जो फेल हुआ है उसमें भी नीचे वाले लेने ना, उस जो फेल हुआ है हरजीत के भी ये 35 लेने के, अलॉटमेंट के उसने नहीं भरे। ओके हाँ, हरजीत के 200 शेयर, तो ये कौन सी नरियर में, ये रहा देख हरजीत, और ये 800 शेयर जोगिंदर के, और ये 35 कॉल्स इन एडवांस ये फर्स्ट 10 फाइनल कॉल के हैं। ओके हाँ, और ये जो कॉल्स इन अरियर्स हैं ये अलॉटमेंट के हैं, कि ये 35 अलॉटमेंट के हैं। ठीक है ठीक, गॉट इट? हाँ यस सर यस, थैंक यू। बेटा और कोई तकलीफ? सर हमने माइनस क्यों किया? कौन सा बेटा? सर ये 7,000। बेटा अकाउंट्स में कितने सालों से तुम पढ़ रहे हो अकाउंट्स? 2 साल होने हैं। तो बेटा डेबिट क्रेडिट की अमाउंट दोनों सेम नहीं होनी चाहिए, मैच नहीं होनी चाहिए, अमाउंट इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो तेरे पास जब ये बैंक की अमाउंट नहीं थी, अब बैंक में केटला जैसे उसकी तू वर्किंग करेगा, उससे बेटर मैंने तेरे को शॉर्टकट मेथड दे दिया कि इसका और इसका टोटल एक होना चाहिए ना। तो मैंने इन दोनों को प्लस करके 7,000 माइनस कर दिया, तो ये आंसर मेरा तुरंत आ गया, मेरे को कोई वर्किंग की फिर जरूरत नहीं पड़ी। हम चाहते थे तो उसको लॉन्ग रूट पे जाके वर्किंग करके भी आंसर आ जाते थे, लेकिन वैसा करने जाऊंगा ना मैं तो आधी से ज्यादा जनता अभी मीटिंग छोड़ के भाग जाएगी कि चल गया रहा है ये, चल गया रहा है, इसलिए ये शॉर्टकट पड़ी का दे दिया। डन है ये? समझ में आया? क्रेडिट में से वो डेबिट वाली एक अमाउंट माइनस कर दी तो दूसरी डेबिट वाली अमाउंट हमको मिल गई। क्योंकि बैंक में कितने गए वो भी तो लिखने पड़ेंगे ना, इसलिए ऐसा करके कर दिया। और कोई सर? यस बेटा। सर डिबेंचर और शेयर कैपिटल मतलब शेयर्स का इश्यूइंग सब सेम ही है, तो फिर दोनों अलग चैप्टर क्यों दिया है? क्योंकि तुम अगर तुम शेयर्स हो बेटा तो तुम कंपनी के ओनर बन जाते हो, और तुमको तुम्हारा पैसा जब ही मिलेगा जब कंपनी डूबेगी इक्विटी शेयर्स में। हाँ। जबकि डिबेंचर क्या है, कंपनी का लोन है, लोन। हाँ लेकिन मतलब कि कॉन्सेप्ट ऐसे डिफरेंशिएट करके एक ही चैप्टर में भी दे सकते थे ना। लेकिन कंसेप्ट ही अलग अलग है बेटा, एंट्री भले सेम हो लेकिन दोनों अलग अलग आइटम है बेटा। इक्विटी शेयर कंपनी का अगर तुम खरीदते हो तो तुम कंपनी के ओनर बन जाते हो, डिबेंचर अगर तुम खरीदोगे तो तुम कंपनी के क्रेडिटर बन जाते हो, और डिबेंचर के साथ साथ हम बहुत सारी दूसरी चीजें कर सकते हैं जो इक्विटी शेयर वालों के साथ नहीं हो सकती है। ओके सर, जो हम ये आगे डिबेंचर के चैप्टर में पढ़ने वाले थे लेकिन बहुत सारा सिलेबस रिड्यूस हो गया तो अपनी लाइफ आसान हो गई है, लेकिन डिबेंचर के साथ फिर हम बहुत सारी चीजें कर सकते थे। okay, इसलिए दोनों अलग अलग हैं, इसलिए अलग अलग चैप्टर में आया है। ओके सर। एंट्री मां हजी कोई बीजा ने डाउट छे कि आई कैन गो ऑन टू द नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री दियो थम्स अप करो, नेक्स्ट एंट्री दियो थम्स अप करो, नेक्स्ट एंट्री के लिए थम्स अप करो। भावना, भावना। यस सर। हाँ। 11% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर अकाउंट। अरे अपनी वो कांचन किधर है यार, उसके फेशियल एक्सप्रेशन नहीं दिख रहे हैं, एनी आइडिया किधर है कांचन? भावना। यस सर। आपको पता है किधर है कांचन, किधर है? सर बाजू में ही। बाजू में ही है, किधर है?
बता बता। अरे कांचन तो तेरा नाम नहीं लिखा यहाँ पर, तो तेरे फिर एब्सेंट चला जाएगा। अंदर ही हूँ मैं। अंदर ही हो? अच्छा अलग फोन से हो, लेकिन यहाँ दिख ही नहीं रहे हो तुम। लिखना। चलो ठीक है, बढ़िया। एंट्री इन्होंने जो कही वो बिल्कुल सही है। चलो एंट्री जो इन्होंने कही वो बिल्कुल सही है, लिखो बेटा। द फिफ्थ वन, द फिफ्थ वन, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, सॉरी नॉट इक्विटी, 11%, 11% डिबेंचर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू 11% डिबेंचर्स। बट अमाउंट कितनी आएगी? 25,000, 25,000 इंटू 35, सो दैट इज अगेन 25,000 इंटू 35, दैट इज 8,75,000, 8,75,000। एंड बेटा द सिक्स्थ एंट्री, अगेन मार्केट स्टार परिवार, सिक्स्थ एंट्री मार्केट स्टार परिवार। यस आस्था, एनी डाउट आस्था? यस सर। हाँ यस आस्था, सो डाउट जे फिफ्थ एंट्री में कॉल्स इन एडवांस आपला ने जोगिंदर ने तो मड़ी गया छे ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ना, तो ये ड्यू कर करिया। આપણે ડ્યુ તો કરવાનો બેટા, ડ્યુ બધા કરીશું હવે, જ્યારે હવે રિસીવ થવાની એન્ટ્રી આવશે એમાં તારી ઇફેક્ટ આવશે, તું જે મને પૂછે છે સર। પણ એ આપણને મળી તો ગયા છે, આ મને મળી ગયા છે, એ મને મળી ગયા છે, પણ હું પેલા ડ્યુ તો કરીશ ને, કે આઈ હેવ ટુ મેક દેટ ફર્સ્ટ એન્ડ ફાઇનલ કોલ, પેલા આખા અમાઉન્ટ થી હું ડ્યુ કરી દઈશ, કે મારે લેવાના કેટલા હતા એ પેલા મારે આખા અમાઉન્ટ થી ડ્યુ કરવાના, અને પછી હવે જયારે રિસીવ કરવાની એન્ટ્રી લખું છું એમાં તારો ડાઉટ ક્લિયર થઈ જશે, મને એ એન્ટ્રી પહેલા લખી લેવા દે। થેન્ક યુ। ચલો ચલો બેટા, ઇસકે રિસીવ હોને કી એન્ટ્રી ક્યાં આયેગી? અગર નોર્મલ સમ હોતા, અગર બેટા નોર્મલ સમ હોતા, નોર્મલ સમ તો હમ ક્યાં એન્ટ્રી લિખતે? અગર વો નોર્મલ સમ હોતા તો હમ ક્યાં એન્ટ્રી લિખતે? અરે કુટે ગયેલા રે બાબા, રુકો। નોર્મલ સમ હોતા તો હમ એન્ટ્રી ક્યાં લિખતે? हम एंट्री लिखते बैंक अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कहना से हम ऐसी एंट्री लिख देते। अभी ये जोगिंदर हरजोत को अभी मत देखो, ये सारी बातें बाद में आएंगी, अगर कोई कुछ नहीं होता तो ऐसी एंट्री हम लिख देते। कोई डाउट है? नहीं। नाउ कहना से ये हरजोत ने तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के भी पैसे नहीं भरे, 200 डिबेंचर पे हरजोत ने तो ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं भरा है, तो कहना से वो मुझे कॉल्स इन एरियर्स में डालना पड़ेगा, तो मेरे को कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट करना पड़े, कॉल्स इन एरियर्स को मेरे को डेबिट करना पड़े। मतलब इतनी एंट्री यहां तक पहले बना लो, चलो इतनी एंट्री पहले यहां तक बना लो, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब बेटा हम आस्था के पॉइंट पर आते हैं, अब हम आस्था के पॉइंट पे आते हैं। देखो मैंने ड्यू तो कर दिया कि मुझे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कितना पैसा मिलना चाहिए, टोटल टोटल 8,75,000 मुझे मिलने चाहिए, मेरे हर एक डिबेंचर वालों से मिलने चाहिए। लेकिन जरा ध्यान, ये 8,75,000 में से तो 28,000 मुझे एडवांस में मिल चुके हैं जोगिंदर बाबा से, हमें एडवांस में मिल चुके हैं 28,000, तो क्या वो दोबारा अब तुम्हें मिलेंगे? विल यू रिसीव दैट अमाउंट अगेन? इफ यू हैव पेड द मनी ऑलरेडी इन एडवांस, will you receive that again? But tell me na yaar, use your common sense, will you receive that again? No, not possible.
इफ यू हैव गिवन मी ऑल द मनी इन एडवांस, तो मैं अगर तुमको फोन दे रहा हूं तो जब मैं तुमको फोन दूंगा उस टाइम पे ऐसा बोलूंगा कि ला और पैसे ला? नो, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टेकन द अमाउंट इन एडवांस. तो अब जब हमारा ये फाइनल कॉल का पैसा आने वाला है, तब उसमें से 8,75,000 में से ये 28,000 नहीं आएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी आ चुके हैं. तो बेटा अगर वो भी नहीं आएंगे तो ये वाली एंट्री में हमें कॉल्स इन एडवांस को भी डेबिट कर देना है, क्योंकि 28,000 फ्रॉम 8,75,000 दिस 28,000 आई हैव ऑलरेडी रिसीव्ड इन एडवांस एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट. So I won't be receiving the amount at first and final call. Entry ma koi doubt pachi amount ni bharpai karu. Pehla entry ma koi doubt chhe hu mane ko. Is there any doubt in the entry? Bank account debit, calls in arrears humne debit kar diya kyunki Harjeet ne paise nahi diye the, to isliye calls in arrears debit kiya. कॉल्स इन एडवांस को इसलिए डेबिट किया है क्योंकि उसका पैसा ऑलरेडी अलॉटमेंट में एडवांस में आ चुका है, तो अब दोबारा नहीं मिलेगा. आई एम नॉट गोना रिसीव दैट अगेन. बेटा तुम्हें अनम्यूट होने का चांस दे रहा हूं, डाउट है तो पूछो. डाउट? आई एम गिविंग यू चांस टू अनम्यूट योर सेल्फ. बेटा एनी डाउट प्लीज आस्क मी. नो, नेवर. क्या कह रहे हैं? चलो बेटा एंट्री में अमाउंट भरो. चलो अमाउंट भरो, कितनी आएगी अमाउंट? अमाउंट फिलअप करते हैं. चलो अमाउंट फिलअप करते हैं. यहां पर हमने डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को डेबिट किया 8,75,000 से, तो हम वो क्रेडिट भी कर देंगे 8,75,000 से. कॉल्स इन एडवांस में क्या ना से अभी हमने ये ऊपर 28,000 देखे थे, तो वो 28,000 एज इट इज हम लिख देंगे. कॉल्स इन एडवांस 28,000. कॉल्स इन अरियर्स बेटा हरजीत के 200 शेयर्स पर 35 रुपीज नहीं आए, तो वापस 7,000 नहीं आए. अक्षत किधर है? अक्षत अनम्यूट. अक्षत हाँ सर. अब बेटा बोल बैंक में कितनी अमाउंट जाएगी? सर एक मिनट सर, 8,40,000 आई थिंक. हाँ सर 8,40,000 -7,000 -28,000. पता चला, तो ऊपर वाले में भी मैंने वैसा ही करा था अक्षत. हाँ तो एकदम चुटकी में आंसर आ गया, और देख तेरा भी चुटकी में आंसर आ गया. The amount is 8,40,000. That's absolutely right. 8,40,000. जो कैलकुलेटर लिए बेटा बैठे हैं बेटा, it's okay. 8,40,000 ये 8,75 में से ये दो आप माइनस कर दो, so you'll directly get the amount 8,40,000. We have also other way of getting the amount, but that will make you round and तुम खो जाओगे. हितल. हाँ बेटा अमाउंट. सर पहले हमें फोर्थ एंट्री में जो कॉल्स इन एडवांस था, तो हमें एंटायर अमाउंट मिल गई थी, यानी कि 800 पे 35 रुपीज में मिले थे, उसके बाद वाले 35 भी मिले थे. कैसे जाए तो 28,000. मतलब अलॉटमेंट में हमें पहले 800 पे 35 रुपीज भी मिल गए थे, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के भी तभी मिल गए थे. हाँ, इसीलिए तो हमने वो कॉल्स इन एडवांस में डाल दिए. हाँ, तो फिर उसमें जो सेकंड वाली जो बैंक सेकंड वाली एंट्री थी, उसमें हमने कॉल्स इन एडवांस में 28,000 प्लस 28,000 आना चाहिए ना, क्योंकि दोनों अभी मिल गए. दोनों अभी कहाँ मिले बेटा? कौन से दोनों अभी मिल गए? फोर्थ एंट्री है ना. फोर्थ एंट्री ये रही मेरे पास. हाँ फोर्थ एंट्री है, बोलो. अभी इसमें कॉल्स इन एडवांस है. हाँ, तो कॉल्स इन एडवांस के पहले अलॉटमेंट पे 35 रुपीज था, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी 35 रुपीज. हाँ, तो वो जो 35 है, तो वो तो ये जो अलॉटमेंट वाला है, तो वो तो हमने इस अलॉटमेंट में लिखा है ना बेटा. यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस जो खाली फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाला है, वही 35 मैंने यहाँ लिखे 800 शेयर पर. ओके. दो दो बार कहाँ लिखे हैं मैंने? एक ही बार तो लिखा है.
ओके ओके सर तो जो एडवांस में आया वही कॉल्स इन एडवांस में डाला है और किसी को नहीं डाला है कॉल्स इन एडवांस में ओके अमित सर आ जे कॉल्स इन एडवांस छे એટલે એપ્લિકેશન ના વખતે જ અલોટમેન્ટ અને ફર્સ્ટ એન્ડ ફાઇનલ કોલ ભર દીધું હોત તો જે ફોર્થ એન્ટ્રી છે આપડી એમાં પણ કૉલ્સ ઇન એડવાન્સ ડેબિટ થાત એમાં પણ કૉલ્સ ઇન એડવાન્સ ડેબિટ થાત યસ ઓકે અગર એપ્લિકેશન વખતે અગર એવો કાંડ થયો હોત તો ઓકે સર યસ બાઉ સર સર આપણે ફોર્થ માં તો કોલ્સ ઇન એડવાન્સ આપણે ક્રેડિટ કર્યું એ તો આપણને પહેલા એના ફર્સ્ટ એન્ડ ફાઇનલ કોલ ના રૂપિયા મળે એટલે તો પછી આપણે જે ફિફ્થ એન્ટ્રી આપણે જે ડ્યુ કરી એમાં તો આપણને ખબર જ છે ને કે હવે એટલા રૂપિયા મળી ગયા તો એમાં જ ને અકાઉન્ટિંગ અકાઉન્ટિંગ એન્ટ્રી પ્રમાણે મારે પહેલા બધાના પૈસા ડ્યુ કરી દેવાના એઝ પર ધ અકાઉન્ટિંગ રૂલ આઈ હેવ ટુ ફર્સ્ટ મેક એવરી અમાઉન્ટ ડ્યુ કે ભાઈ આનો ફર્સ્ટ એન્ડ ફાઇનલ કોલ નો હવે ટાઈમ આવી ગયો છે કે મારે પૈસા લેવાના તો એક વાર તો હું પેલા ડ્યુ બધી અમાઉન્ટ કરી દઈશ કે મારે 8,75,000 લેવાના છે અને પછી જયારે એ પૈસા મળવાનો ચાલુ થશે સી વી આર ગેટિંગ ધીસ અમાઉન્ટ ઇન ઇન્સ્ટોલમેન્ટ સો વોટ આઈ એમ ડુઈંગ રાઈટ નાવ ઇઝ કે પહેલા મેં ડ્યુ કર્યા એટલે હમણાં અગર તું મને પૂછીશ તો હું હમણાં ફીસ બધાને એવું કહીશ કે ડ્યુ છે કે તમારો સેકન્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ડ્યુ થઈ ગયો છે હું એવું બધાને મેસેજ કરી દઈશ પણ પછી જે લોકોના પૈસા આવી ગયા છે તો હું એ લોકો પાસેથી તો પૈસા નહીં જ લઉં ને બેટા તો વેન વી આર ડુઈંગ ઇટ ડ્યુ ત્યારે ડ્યુ કરતી વખતે પહેલા બધા જ ડ્યુ કરી દેવાના કે મારે ફર્સ્ટ એન્ડ ફાઇનલ કોલના ટોટલ કેટલા લેવાના હતા 8,75,000 તો એ પહેલા મારે ડ્યુ કરી દેવાના અને પછી જયારે સિક્સ્થ એન્ટ્રીમાં એને જયારે રિસીવ કરવાનો ટાઈમ આવ્યો તો ચેક કર જો રિસીવ કરવાનો ટાઈમ આવ્યો એટલે તને મળવા જોઈતા હતા 8,75,000 પણ એમાં તને મળ્યા કેટલા ખાલી બેંકમાં જો ગયા કેટલા 8,40,000 હા અને એના બે કારણ 8,40,000 ના બે કારણ કે એક પેલાએ ડિફોલ્ટ કર્યો અને પેલાએ બીજાએ કોલ્સમાં એડવાન્સમાં પૈસા આપી દીધા એટલે મારે હમણાં બેંકમાં ઓછા પૈસા આવ્યા એટલે જ્યારે આપણે ડ્યુ કરવાનું હોય ત્યારે ટોટલ અમાઉન્ટ થી ડ્યુ યસ ઓલવેઝ યુ હેવ ટુ મેક ઇટ ડ્યુ વિથ ટોટલ અમાઉન્ટ કે મારે આટલા લેવાના હતા અને હવે જે લેવાના હતા એમાંથી આવી રીતે પૈસા આયા એ મેં પછી સિક્સ્થ એન્ટ્રીમાં બતાવી દીધું અચ્છા યા બેટા સિક્સ એન્ટ્રી ડન ઓલ સિક્સ એન્ટ્રી ડન સમ ઇઝ ઓવર બેટા સમ ઇઝ ઓવર इसके जैसा एक है सम कौन सा एक्सरसाइज वाला इसके जैसा एक सम है मेरे को एक्सरसाइज में दिखता है मैं तुमको बताऊं कौन सा क्योंकि तुम तो मुझे बता के मैसेज नहीं करोगे तो मेरे को ही बताना पड़ेगा रुक जाओ क्वेश्चन नंबर सेवन मिला अच्छा तुम ट्राई करोगे खुद से क्वेश्चन नंबर सेवन बेटा आई वॉन्ट सम आंसर विल यू ट्राई दिस क्वेश्चन नंबर सेवन यस सर चांस टू अनम्यूट यस सर जैसा ही है तो तुम ट्राई करोगे यस सर अब समझो हमारा अब नेक्स्ट वीक में जब हम जूम सेशन करने वाले हैं ना बेटा दो तीन अनाउंसमेंट्स कुछ ऐसा मैं प्लान कर रहा हूँ जो मेरे को तुम्हें करनी है एक दो अनाउंसमेंट तो मैंने तुमको करी कि अब से मैं ब्रांच पर अवेलेबल रहता हूँ तो आप लोगों को अगर आना है तो कुछ few days I have kept it at Nizampura, few days I have kept it at Varasia, few days I have kept it at Karelibag and few days at PNG. मैंने आपको बोल के रखा है कि मैं उन उन दिनों में अवेलेबल होने वाला हूँ तो डाउट डिफिकल्टी के लिए तो आ सकते हैं दूसरा थोड़ा जूम सेशंस की भी मैं थोड़ी सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक से हम कैसे प्लान करेंगे तो ये वीक में अभी तीन रखे हैं नेक्स्ट वीक में भी तीन ही सेशन रखेंगे हम क्योंकि अपने को ये थोड़े डिफिकल्ट चैप्टर है आराम आराम से चलना पड़ेगा ज्यादा स्पीड में नहीं भाग सकते हैं सो तीन तीन लेक्चर करके हम बढ़ेंगे ताकि तुमको भी मोटिवेशन रहे जूम पे आने का ठीक है
तो नेक्स्ट वीक के थोड़े शेड्यूल्स में भी मैं थोड़े कुछ चेंजेस का प्लान कर रहा हूँ, वो कुछ मटीरियलाइज होता है तो फिर मैं तुमको बताऊंगा कि कैसे क्या चेंज मैंने प्लान किए हैं, ठीक है? चलो तो बची आपने नेक्स्ट वीक मड़ी है, आपने नेक्स्ट वीक मड़ी है। यस हेली तने सूट आउट जो हेली सर तारो जे क्वेश्चन जे वो समझी क्यों जे आपने कॉल्स इन अरियस ने डेबिट करी हुई या क्रेडिट करी हुई या डेबिट करी ने क्लोज कर दी दो। यस आंसर इज करेक्ट। ओके आंसर इज करेक्ट। या आप पढ़ के सर ये नोटबुक सबमिट करे थे पांच ही क्या है मेरे से बेटा इट्स अ लॉट एंड लॉट ऑफ असाइनमेंट टू बी चेक। अरे वारासिया वालों ने थर्सडे का टाइम किससे देख के लिया है? वारासिया स्टूडेंट्स सीधा जाके अभी सबमिट करना शुरू कर दो, मैं वहां जाने वाला हूँ ब्रांच पे वो देखने के लिए। तुम्हारी बुक नहीं आई तो हालत बिगाड़ दूंगा तुम सब लोगों की। पार्ट इट विल टेक सम टाइम, जो चेक थी जैसे वो तुमने सामने थी मैसेज कर दे इसके आवी ने ले जाओ, डोंट वरी। आप बाय कर दें सर। आदवाज एप्लीकेशन में हमारे पास एडवांस में आता है तो उसकी एंट्री कैसे आएगी, मतलब कॉल एडवांस वाली? मतलब व्हाट्सएप करता हूं मैं तेरे को, मैं व्हाट्सएप पे आ जा, व्हाट्सएप पे आ जा। ओके सर। या चलो बाय बाय सर। बाय सर।